आप जानते हैं आटा गूंद के रखने से हमारे जीवन में सेहत से लेकर वास्तु तक का बढ़ने का खतरा रहता है। कई महिलाएं सोचती हैं कि पूरे दिन का आटा या कोई भी चीज़ मैं रख दूँ तो उस काम से झंझट मिल जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आते हैं आटे की बात, तो यह अशुभ माना जाता है। आटा गूंद कर रखने से आपको बचना चाहिए और उतना ही आपको आटा गूंथना चाहिए जितनी कि आपको आवश्यकता है। और हिंदू धर्म में पिंडदान की परंपरा होती है। हिंदू धर्म में आटे की गोलियां बनाकर पानी में बहाने की परंपरा है, तो ये भूल कर भी ना करें क्योंकि ये इसलिए अशुभ माना जाता है। और फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक इस आटे को पिंड की तरह मानने से यह भूखी आत्माओं की भूख शांत करता है और इससे आपके घर में निगेटिविटी पड़ता है। घर का माहौल अशांत और लड़ाई से झगड़ा लड़ाई वाला रहता है। पहले से गूंथे हुए आटे की रोटियां खाने से पाचन तंत्र खराब और कई बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। भविष्य में भी कोई बीमारियों का संभावना रहता है और मानसिक बीमारियों से भी आपको बचना चाहिए। इसकी वजह से आपको आलस भी आ सकता है, दिन भर आपको आलस आएगा, सोए रहेंगे आप। और जरूरी बात, इस बात का जरूर ध्यान दें आप, जितना आवश्यकता हो उतना ही आटा गूंथें। बचे हुए आटे को फ्रिज में ना रखें, आप उस आटे को फेंक दें या रोटियां बनाकर दे अगा को दे दें। और आटे के गूंथने के बाद इस पर 3 अंगुलियों का निशान जरूर लगाएं, ताकि ये निशान का प्रतीक है कि आटा ये मृतक के लिए नहीं बल्कि इंसान के खाने के लिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है आपको, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।